कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी है। स्टोरी लिखने के ऊपर इन्होंने लिख दिया था कि मेरा नाम आप शेयर नहीं करना, जब आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना। लव वाइब्रेशन से मैंने सिर्फ और सिर्फ 16 डेज में ही अपने हस्बैंड के प्यार को पा लिया। हमारा 6 महीने से रिश्ता इतना खराब चल रहा था कि हम दोनों अलग होने के कगार पे थे। ये रिश्ता धीरे धीरे करके टॉक्सिक बनता जा रहा था और अब इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो रही थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि फैमिलीज इन्वॉल्व हों, हम दोनों इसको सॉल्व करें, मेरा यही मन था। लेकिन इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई थी कि अब फैमिलीज ने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। मैंने यूनिवर्स से कहा कि प्लीज़ भगवान मेरी मदद करो, और भगवान ने आपका वीडियो भेज दिया। मैं आपके पहले से भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मानती हूँ, बिलीव करती हूँ, लेकिन मेरा रिश्ता इतना ज़्यादा खराब कैसे हो गया ये मुझे सच में नहीं पता। शायद कुछ कार्मिक रहा होगा, इस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा ही बिगड़ गईं। मैंने आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो देखा और रोज़ रात को मैं अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजने लगी, जिससे कि हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हों, हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़े, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़े। लेकिन शुरू के एक हफ्ते तो बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी बढ़ गई, जबकि ऐसा लग रहा था कि शायद ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ और उसमें मैं खराब कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने आपका दोबारा से लव वाइब्रेशन का वीडियो देखा और अब मैंने फील करना शुरू किया। इसके बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 2 वीक्स के बाद ही मुझे उसके रिजल्ट्स आ गए। मैंने 2 हफ्ते तक रोज़ रात को सोने के पहले और सुबह सुबह उठते ही अपने हस्बैंड को लव वाइब्रेशन भेजी है, और पूरा दिन मैंने अफर्म किया है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और इसी तरह से मैं अपने हस्बैंड से बात भी करने लगी और इसी तरह से मैं उनको वाटर भी अफर्म करके देने लगी। लेकिन मैं कभी भी लड़ाई झगड़े की बात नहीं उठाती थी और मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करती थी जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में पुरानी कोई बात को लेकर के बहस हो। बस फिर क्या था, मेरे हस्बैंड ने मुझसे ही बात की और कहा कि ये जो फैमिलीज आ रही हैं हमारे बीच में, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है फैमिलीज को अवॉइड करना चाहिए और कुछ दिन के लिए बाहर चलना चाहिए। दी, आप यकीन नहीं मानोगे, यही मेरे मन में भी था कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाऊं, ना ही मेरी फैमिली से बात हो, ना ही उनकी फैमिली से बात हो, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ में रहना शुरू कर दिया। 4 दिन के लिए हम दोनों माथेरान गए थे और वहाँ पर हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ये ट्रिप मेरे हस्बैंड की ही प्लानिंग से हुआ था और फाइनली इस ट्रिप का ये अंजाम हुआ कि हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी उतने ही प्यार से भर गई जितना प्यार मैंने हमेशा से एक्सपेक्ट किया था। और ये हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। इसकी वजह से अब मैंने ओपोनोपोनो प्रेयर भी शुरू करी है, जिसमें मैं खुद के लिए भी हीलिंग कर सकूँ और पॉजिटिव रह सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। लव वाइब्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। हम बहुत खुश हैं कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में ढेर सारा प्यार भर गया। ओपोनोपोनो प्रेयर आपने शुरू कर दी अपनी हीलिंग के लिए, ये आपने बहुत ही बेस्ट काम किया है। जब भी लगे कि रिश्ते के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो किसी भी एक पार्टनर को उठ करके उसको सही करने की कोशिश कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि वो और ज़्यादा खराब होता चला जाए। वहीं के वहीं उस चीज़ को रोक देना चाहिए, लव वाइब्रेशन करना चाहिए और उसके बाद में कोशिश करनी चाहिए कि एकदम शांत वाला माहौल बना रहे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आते ही आते हैं। हीलिंग प्रोसेस के लिए आपको ओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए ज़रूर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे आप खुद भी हील होते हैं और जब आप हील होते हैं तो हील्ड एनर्जी ही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बहुत जल्दी ही रिश्तों को सही होता हुआ देख पाते हैं। अपने अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।